इंडियन आर्मी 1962 के बाद पहली बार चीनी कब्जे वाले अक्साई चीन में 4 किमी तक घुसी है और रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण रेगिंग पास पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर हुनान पोस्ट जो चीनी पोस्ट थी वहाँ पर भी भारत की सेना का कब्जा हो गया है। यह रेगिंग पास कितना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर रेजांगला दर्रा है जहाँ पर ऐतिहासिक 1962 की जंग हुई थी जिसमें भारत की अही रेजिमेंट ने अदम्य साहस का परिचय दिखाया था। भारत की इस कार्रवाई से चीन का ग्लोबल टाइम्स भड़का हुआ है और बोल रहा है कि भारत ने इनलीगल तरीके से चीनी सीमा में घुसपैठ कर डाली है। भारत ने यह कार्रवाई इसलिए की है ताकि वो पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया में बार्गेनिंग कर सके। पूरी दुनिया में बाबा आदम के ज़माने के क्लेम कर करके दूसरे मुल्कों की ज़मीनों पर कब्जे करने वाला चीन अब खुद अपने नियंत्रण वाले इलाके में घुसपैठ पर रो रहा है। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री यांग ली के भी सुर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब चीन बातचीत से मुद्दे सुलझाने की बात करता दिख रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारतीय सेना अलर्ट पर है और चीनी प्रोवोकेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। चीन पेंगोंग लेक में अप्रैल वाले स्टेटस को पर नहीं जा रहा था। भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेगिंग पास को कब्जा करके टिट फॉर टेट का जवाब दे दिया। तभी चीन अब बातचीत की पेशकश कर रहा है। हालांकि चीन की फितरत देखते हुए इंडियन आर्मी पूरी तरह अलर्ट है।